अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर बुशरा अहमद है। मैं कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज एसोसिएट कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। 8 मार्च जो है वो वुमेन डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है, और एक ब्रीफ सा मैसेज शेयर करना चाहूँगी वुमेंस डे के हवाले से। कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँगी, उसमें यह कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 48% जो हैं वो ख्वातीन हैं। इनमें से 22% जो हैं वो एज अ लेबर काम करती हैं। 21% जो हैं उनकी 18 साल की एज से पहले ही शादी हो जाती है, तो वो एज सच इकॉनमी में और वैसे कंट्रीब्यूशन उनका मुल्क की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं होता एज कंपेयर्ड के वो इकॉनमी को कितना फ़ायदा दे रही हैं। और सिर्फ 2% ख़वातीन जो हैं वो सीनियर और मिडिल मैनेजरियल पोस्ट पर काम कर रही हैं। तो एक तो ये कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बेहतर तौर पे मिलनी चाहिए ओवर द टाइम, और ऑल्दो ये स्टैटिस्टिक्स पिछले कुछ सालों के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर तौर पर इम्प्रूव भी हो रहे हैं। बस आज के लिए मेरा ये मैसेज है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और काम के हवाले से, और दूसरा ख़वातीन का हर फील्ड में काम को इनक्रेज किया जाना चाहिए, ताकि अगर वो 48% बना रही हैं एक मुल्क की पॉपुलेशन का, तो वो उसकी तरक्की में भी उतनी हिस्सेदार बने, ताकि हमारा मुल्क बेहतर तौर पर आगे चल सके। थैंक यू।